बिहार की राजधानी पटना का एक बड़ा हिस्सा पटना साहिब लोकसभा सीट में आता है। परंपरागत तौर पर इस सीट को बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। परिसीमन के बाद साल 2009 में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई और तभी से इस पर बीजेपी जीतती रही। साल 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद रहे। वहीं 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वो रविशंकर प्रसाद से चुनाव हार गए। इस बार कांग्रेस ने यहां से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत कुशवाहा को खड़ा किया है। विपक्ष ने इन चुनाव में महंगाई बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री को एक दबाव है, बड़े परेशान हैं, उनको आके यहाँ रविशंकर जी की वकालत बार बार करनी पड़ रही है। आप समझते हैं क्या हो रहा है? हम उनका तो स्वागत करते हैं, देश के मुखिया आए बार बार आए यहाँ पर और देखें तो यहाँ की असलियत क्या है। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देंगे यहाँ बिहार को, उसमें पटना का भी फ़ायदा होता, यहाँ बिजली पानी, ये जो पानी की जो किल्लत है, बिजली, रोड की समस्या, रोड जो खड़े हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में फ़ायदा होता। कहाँ गया वो पैकेज, कहाँ गया वो वादा कि हम बिहार को एक स्पेशल विशेष स्पेशल दर्जा देंगे, कि किधर गया? कोसी की समस्या, बाढ़ की जो समस्या है जिससे एक तरह से ये ध्वस्त हो जाता है काफ़ी ये क्षेत्र, उसकी समाधान के लिए आपने क्या किया? पटना शहर के लिए आपने क्या किया? तो आइए, बार बार आइए, देखिए, लेकिन ये भी तो जानिए कि डबल इंजन सरकार बिल्कुल विफल रही है और लोग जवाब देंगे 1 तारीख को। बड़े नाराज़ हैं यहाँ पर लोग। पटना साहिब सीट भले ही बीजेपी का गढ़ रही हो, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यहाँ कई चुनौतियाँ भी हैं। बिहार के सियासी गलियारों में इस बार रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने के कयास भी खूब लगाए गए, हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है। यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, ये कोई मुखिया सरपंच का चुनाव नहीं है, समझ गए आप? विपक्ष महंगाई और रोजगार को मुद्दा बना रहा है, आप लोग कैसे जवाब देंगे? महंगाई सबसे नियंत्रित है, रोजगार 7-8 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं EPFO में, डिजिटल इंडिया हुआ कि नहीं, इतनी सड़कें बने कि नहीं, एयरपोर्ट बने कि नहीं, रोजगार पर्यटन में बढ़ा कि नहीं, तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिली, तो जब सब हो रहा है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कभी संविधान खतरे में है, कभी रोजगार की बात। कितना रोजगार दिया है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, कितना रोजगार दिया है हिमाचल प्रदेश में, चलिए उनको बोलने दीजिए, देश मोदी जी के साथ है। क्या किया? बिहार में पिछले साल जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कायस्थों की आबादी 0.6% है। इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा पटना साहिब लोकसभा सीट में है। कायस्थ बिरादरी से आने वाले रविशंकर प्रसाद राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सियासत में कदम रखने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के साथ बड़ी राजनीतिक विरासत है। उनके नाना बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। अंशुल की माँ मीरा कुमार दलित समाज से आती हैं और अंशुल अपने पिता के नाम से कुशवाहा हैं। बिहार में जिन लोकसभा सीटों पर सबकी नज़र है, उनमें से एक पटना साहिब लोकसभा सीट है। एक तरफ सरकार के विकास के दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहा है। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं और जनता फिलहाल ये तय करने में लगी है कि वो किस मुद्दे के साथ किसके साथ खड़ी हो। कहते हैं कि मैं चाव देता हूँ, चाव देते हैं 5 किलो, पांच आपको, पांच परिवार है मेरे यहाँ या 10 परिवार है, एक महीना में 5 किलो खा जाएगी, उससे बढ़िया मेरा राशन बाजार में सस्ता कर देते और 5 किलो अनाज अपना बंद कर देते, हमारा 20 रुपये किलो चावल भी देते तो हम लोग का जीवन परवस्ती चल जाता। आई का महंगाई में इतना है कि गैस भी उतने महंगा है, लाइन तो कलातिन के फ्री में जिम्मे होता है तो देखो कि इतना झुट्टा ना है लाइन, हाली हाली आवा थी तो 500-800 महीना में हो जा है। मतलब आप कह रहे कि बिजली का बिल 500 आता है? हाँ, महीना में हो जा है। तो कहाँ से गरीब आदमी, कमीनी ना धमीनी है, कहाँ से अतः लेबर में खटना है सबके, तो कहाँ से उतना अत 400 रुपया मिला ही लेबर के, 100 रुपया मिला ही हमने प्याज रोपे में, तो कहाँ से अतः कैसे भरती बिजली बिल? इनके मुद्दा है, इतना चला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बाल बच्चा के स्कूल में पैसा दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, 5 आदमी का खाना नहीं चल रहा है एक घर में, पूरा देश चला रहे हैं,
इन्हीं का है सब हम लोग। और मुद्दा महंगाई का मुद्दा है कि महंगाई तो एक से चार हो गया, अब देखिए रहे महंगाई को क्या कहा जा सकता है। जब तक बीजेपी आया, जब जब बिहार में बीजेपी आया चाहे जहां भी आया, तो महंगाई का मार गरीब आदमी व्यक्ति को बेहाल कर दिया, घर से बेघर कर दिया है। मुद्दा विकास है, मुद्दा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्र अगर अच्छा से चलेगी तो हम खुद अपने आप अच्छा से चलेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे, राष्ट्र अगर मेरा खुशी रहेगा तो हम अपने आप खुशी रहेंगे। पटना साहिब लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर RJD जीती थी, जबकि 4 विधानसभा सीटें BJP के खाते में गई थी। पटना साहिब सीट पर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटरों की तादाद के लिहाज से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 21 लाख से ज्यादा वोटर थे, लेकिन तब यहां करीब 45% वोटिंग हुई थी।